दिन जितना मैंने तीन सौ बरस का ही मंदिर है और तीन सौ बरस का हम लोग हिंदू मुस्लिम का भाई भाई हम लोग गले में मिले हैं इसको हम लोग बिगाड़ने हम नहीं दे देंगे आप लोग जो कहे बिगाड़ने हम नहीं देंगे अगर आप लोग अगर किसी पर विश्वास है तो नाम बोलिए तो हम कहा कि भाई हमारे पास आपका बाजार पर जो मस्जिद है वो खाली विवाद है उसे हम लोगों कोई हम हिंदू मुसलमान किसी को नहीं लेना ले वो तो रास्ता आना रास्ता जान, जान, जान आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली विवर्स हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक नई शख्सियत से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के गया जिला के अध्यक्ष राजेंद्र दुबे जी राजेंद्र दुबे जी इस उम्र में भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और होने वाले बहुत तरह के आयोजनों में अपना समय देते हैं ख़ासतौर से जो शांति समिति की बैठक होती है ज़िले में भी ज़िला मुख्यालय में भी वहाँ भी अपना ये पहुँचते हैं और सामाजिक कार्यों में जितना संभव हो सके ये अपना समय देते हैं तो ये मिसाल हैं युवाओं के लिए नई पीढ़ी के लिए कि इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे माता भी स्वतंत्रता सेनानी थी इनका बचपन भी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में गुजरा इन्होंने महात्मा गांधी को भी अपने पास से देखा तो एक तरह से इतना लंबा अंतराल का जुड़ाव इनका समाज के साथ है और आज भी ये सक्रिय हैं तो ये नए युवाओं के लिए नए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर आपका स्वागत है बिहार आजकल में बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका कि इस के लिए आप हमको ने किया इसके लिए आप हम आपके लिए आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर अभी आपने तो एक लंबा समय देखा है जब देश आज़ाद हुआ और जो उस समय की राजनीति थी उस समय के नेता थे अभी के जो नेता हैं उस समय जिस तरह से सामाजिक कार्यों के लिए आंदोलन होता था अभी जो आंदोलन होता है या नहीं होता है क्या फ़र्क महसूस करते हैं आज़ादी के समय के जो हालात थे और अभी के जो हालात हैं उसमें हाँ देखिए आज़ादी के समय का जो हालात था वो देश की आज़ादी के प्रति था आवाज का जो हालात जो है जो आंदोलन लोग करते हैं अपने अपने लिए करते हैं दूसरे जनता के लिए नहीं अपने लिए करते हैं उनको कुछ रोड जाम करो तो ये जाम करो रोड नहीं है है तो रोड ये करते हैं अरे जितनी शांति से काम होता है उतना विद्रोह से, से काम नहीं होता है आवेश से काम नहीं नहीं होता है आप, आप गुस्सा गए हैं तो अब गुस्सा को शांत कीजिए आपको सामूगा हम बताते हैं अपना इतिहास हमारे गांव में रोड नाम का चीज़ नहीं था नहर बना उनसठ में उस समय नहर का जो था रोड था तो उस समय बरसात में बंद कर दिया जाता था, था। बैलगाड़ी के लिए जाने आने के लिए गेट लगा दिया जाता सिक्का लगा दिया जा जाता इतना हम लोगों को इतना तकलीफ़ था हमारे गांव में जाने के लिए कि बहुत दिक्कत था तो कैसे कैसे करके हमने तेरह में हमने विनोद जो संत जो विधायक थे उनको हमने कहा वो आवाज़ भी उठाए विधानसभा में और विधानसभा में आवाज़ उठा कह कर के रोड आपको डोभी आपको जो जयरामगिरी उच्च विद्यालय है डोभी में वहाँ से ले करके घोड़ा घाट तक जो रोड बना वो आंदोलन हम नहीं किए सिर्फ अपने विचार से उनको करते रहे और उन्होंने पास करा करके काम लगा दिए विनोद यादव विनोद यादव जी के मत मैंने काल में उसमें मंत्री भी थे राज मंत्री आदि पंचायती राज मंत्री और उसके बाद में हमने कहाँ बिजली नहीं नहीं था बिजली नहीं था तो बिजली 2009 में बिजली कराए यूनियर्स मिलकर यूनियर्स मिल के कैसे कैसे करके मेरा ग्रामीण विद्युत ग्रामीण में नाम मेरा गांव नहीं था कैसे करके के कर उसको ग्रामीण में नाम डलवाए ड्रा करके दो में हमारे के यहाँ बिजली आया स्वास्थ्य की बात थी तो स्वास्थ्य के लिए था एक आया कि भाई स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र का कहीं भवन जमीन मिलेगा तो वहाँ बना देंगे तो हमने भवन बनाने के लिए अपना ज़मीन खतियानी दिया स्वतः ये प्रधान मुख्यमंत्री का था कि जो जमीन देगा उनके परिजनों के ना, नाम से स्कूल भी होगा और हो, हो, मैंने स्वास्थ्य उच, उच, केंद्र भी होगा तो हमने दे दिया रामदास देवी स्वास्थ्य केंद्र से नाम से हमारे क्या बिल्डिंग भी बन गई डा हाँ, तो पिताजी तो तो के हाँ पिताजी के नाम पर आज 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 शिक्षक आजिए हुए डॉक्टर लोग भी आकर के बैठते हैं डेली आते हैं वहाँ दस गो बीस गो रोगी भी आते हैं देखते हैं और ये पंचायत सरकार भवन का था वो जमीन के लिए कैसे होगा तो उसके लिए भी हम लोग जनता लोग से मिल करके प्रेम मोहब्बत करके जमीन दिला करके वहाँ तीन तल्ला बिल दि, पंचायत सरकार भवन बन गया कौन पंचायत है आपका घोड़ाघाट पंचायत है मेरा घोड़ा गो, पंचायत में ग्यारह गांव आता है आपको या आपको रानीचक हो गया ये गाड़ी जाम हो गया पिंडरा खुर्द हो गया मंजरी हो गया, हो गया कोसमा हो गया आपको ये क्या बोलते हैं मेरे धरामपुर कुनिया हो गया पाठक भी होगा, हरदमन हो गया, हो गया सर अभी जो आप लोग जिस तरह से आंदोलन निस्वार्थ भाव से करते कोई लाभ नहीं लेना है मुखिया नहीं बनना है विधायक एमपी नहीं बनना ऐसा कोई मन में इच्छा नहीं है बस इच्छा है कि लोगों का भला हो बिजली पहुंच जाए सड़क बन जाए लोगों का काम हो जाए तो आप लोगों के आंदोलन करने के जो तरीके थे अभी जो नई पीढ़ी है वो समाज के लिए कितना लगता है कितना जागरूक है वो अगर किसी को मुखिया बनना है तब तो वो आंदोलन करते हैं कुछ काम करते हैं और उनको अगर राजनीति में कुछ पद नहीं चाहिए तो वो बिल्कुल किनारे रहते हैं ऐसा हम देखते हैं लेकिन आप किस तरह से देखते हैं नई पीढ़ी में और पहले के लोगों में हाँ पहले तो था कि पहले जो लो लोग थे स्वार्थ के भाव से कोई काम नहीं करते थे आज के लोग स्वार्थ के भाव से लोग करते हैं किसी को हो जाता है चला जा, 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 जा जाता है भी हम लोग आगे चुनाव वा, आने वाला है तो वहाँ पहुँच जाता है तो आज बहुत जाते हैं कि कहीं कोई घटना घटती है तो भी तो विधायक पहुँच जा जाते हैं संतावना के लिए आपको एम पी पहुँच जाते हैं संतावना के लिए तो ये वोट की राज ये राजनीति है हमको पदाधिकारी जिला कहते रहते हैं कि आप कुछ मांगते ना नहीं हैं क्या दूसरे के मांगते हैं सर हम हम हमारे पास तो आप हैं आप हमारे पुत्र हैं आप डीएम बने हुए हैं तो जिसका लड़का डीएम होगा वो बाप मांगेगा आप हमको यही मांगना है यही आपको आप दे दीजिए तो हंसते लगते थे हम भी ठीक है कहते थे कहते कल कल है गए कभी साहब आए जैसे हम चाहे का ये दो बजे कहानी की अभी मैंक बरबर जो हैं दो हजार तीन में यहाँ वीडियो के चार में थे ट्रेन मैंने ट्रेन में डोबे में वो हमको पहचानते हैं कहें कि कहा ठीक है ना तो राजेंद्र जी हम के यहाँ ठीक ठीक है आप समाचार सब ठीक है सो हम आपके यहाँ घर में जो क्या डीएम साहब के यहाँ गए जैसी ही जैस गाड़ी से उतरें हाथ जोड़ दिए कहिए ठीक है, है ना हमके ठीक है यार बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम दशहरा ठीक से मनाए हम ठीक से मनाए कोई शांति नहीं इसीलिए हम भी निश्चित रहते हैं कि आप हैं ये हैं तो हम भी निश्चिंत हैं <coughs> तो कोई ऐसा अच्छा एस पी साहब भी बो, बोले <coughs> कि भाई आप अभी तो हमको बहरा ओपी हो कहीं ओपी ठीक है ना दूबा जी बढ़िया चल रहा है ना हम कि क्या चल रहा है बस आप ठीक चलते हैं हम भी निश्चित हैं <coughs> तो वो ऐसा चलते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि मैंने हम निस्वार्थ भाव से कहीं जाते हैं क्रांति समिति में कभी ऐसा कोई मौका आया जब लगा कि बहुत माहौल बिगड़ जाएगा या जो सद्भावना है यहाँ की मिट जाएगी और उसको आपने संभाला कभी कि कहीं किसी तरह से दंगा फसाद ना हो जाए समाज में आपसी भाईचारा ख़त्म ना हो जाए तो आपने ऐसा कभी मौका जीवन में आया जो बहुत विकट परिस्थिति में आपने उसको संभाला हाँ संभाले हमारे के यहाँ ऐसा आप लोग का एक मुहर्रम था हुँ. उसी टाइम में और उसी समय हमारे के यहाँ दुर्गा पूजा का मूर्ति का विसर्जन था और हमने वहाँ शांति समिति की बैठक में किए अजी दिन मीटिंग था वही किया हम लोगों ने बुलाया तो हम बोला कि हम उन्हीं लोग पर छोड़ दिए कि आप लोग जैसे कहेगा हम करेंगे तो उन लोग बोले मुस्लिम भाई लोग बोले क्या ऐसा है कि अरे हम लोग को मैंने जुलूस बाद में निकलेगा आप लोग अपना कै बजे मूर्ति विसर्जन के, के नि, नि, निकलेगा आपको हम साथ देंगे आपका मूर्ति जब रोड पर चला ज, जा जाएगा तो तो हम यहाँ से अपना हम लोग भी, अपना उ, 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 उठा लेंगे बोला कि वो मस्त तो ठीक है वही हुआ हमने मैंने समय पर किए समय पर हमने मूर्ति मु, उठा दिया और उन लोग भी साथ दिया और साथ ये करके और उन लोग जब हम जब हमारा मैंने जहाँ हम बसान होता है मूर्ति वहाँ सौ गज की दूरी तक तय हुआ इन लोग अपना आए अपना जुलूस निकाला हम लोग मूर्ति विसर्जन करके नहा धो कर गए हम लोग ताजा में फिर मेला में भीड़ गए गए फिर सबसे भाई सारे के मिले और भाई पत है ये सब किया ऐसा हम कभी हम ऐसा होने हम नहीं दिया अभी तक तो हम नहीं दिया और एकदम ठोक करके कहते हैं कि भाई अब तो बुल्हारी में तो हमको बात मानो या नाम मानो इतना ही जब माना थे एवरी मान नहीं। नहीं तो एवरी भर मान जाओ कोई झगड़ा झंझट हमरे के यहाँ नहीं होता अच्छा सर ये शांति समिति की बैठक का क्या लाभ मिल पाता है इस तरह के बैठक से क्या माहौल बनता है एक प्रचार होता है कि प्रशासन इसके लिए अलग है प्रशासन अलर्ट हो जाता है और प्रशासन समय पर पहुंच जाता है किसी का प्रोग्राम कहीं होता है तो वहाँ प्रशासन पहुंच जाता है कि भाई शांति समिति का बैठक में आप लोग हमको मांग किया था और कि प्रहरी दिया जाए सुरक्षा बल दिया जाए तो लोग आ जाते हैं आ जाते हैं तो हम लोग भी कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे लग रहा है संभावना है कि यहाँ झमेला कुछ हो सकता है हाँ वैसा पॉइंट तो है नहीं हमारे के यहाँ वो थोड़ा सा पॉइंट हमारे क्या जो आपका बाज़ार पर जो मस्जिद है वो खाली विवाद है उसे हम लोगों कोई हम हिंदू मुसलमान किसी को नहीं लेना ले वो तो रास्ता आना रास्ता जानना जान जान। कभी सर ऐसा हुआ कि जब बहुत माहौल बिगड़ने बिगड़ गया आपने तो बताया कि हमने बिगड़ने नहीं दिया हाँ बिगड़ने नहीं कभी ऐसा हुआ कि बिगड़ गया और बिगड़ने के बाद फिर संभाला गया हाँ तो संभाला गया, गया, गया ऐसा स्थिति था कि हमें एक मंदिर था शिव मंदिर वहाँ पंचमंदिली है वहाँ पर ही देवी दुर्गा का मूर्ति था और जब सुबह हुआ तो पुजोरी गया पूजा करने के लिए देखा कि मूर्ति वहाँ है ये नहीं है तो हल्ला हुआ और उस समय राजेश मांझी एम पी थे और हम कहा कि भाई अभी तो दो तो लोग कहा कि मे एस पी का दिया जाए फन्ना दिया जाए दिया जाए तो हमको लोग बोले कि भाई आपके पास नंबर है और उसे डब्ल्यू एल मोबाइल था गांव में हम बोला कि भाई देखिए इतना प्रशासन के पास हाई डाटा अभी करना ठीक नहीं है कभी हम ये हम लोग समझ लीजिए बूझ ली, लीजिए अभी हम लोग के लिए सांसद आ गया ना सांसद आ गया भगवती देवी भी आ गई तो अभी लोग देखिए अब थाना प्रभाव भी आ, आ गए धोबी से तो कम से कम इसको देख लीजिए और उसके बाद में मेंजिए तो हुआ फिर? फिर हुआ कि चलता रहा फिर हम लोग को शांति से हम लोग अपना जात में अपना मने हिंदू मुस्लिम सब कोई बैठक किए आज भी बैठक कर रहे हैं कल भी बैठक कर रहे हैं मैंने एक दिन दो दिन बै, के कर रहे हैं नहीं बिगड़ने नहीं, नहीं दिया लेकिन बिगारते, हाँ बताया कि वो आपको मुसलमान भाई बो, 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 बोले कि भाई देखिए हम लोग हिंदू मुसलमान जितना दिन जितना मैने तीन सौ बरस का ही मंदिर है और तीन सौ बरस का हम लोग हिंदू मुस्लिम का भाई भाई हम लोग गले में मिले हैं इसको हम लोग बिगाड़ने हम नहीं दे देंगे आप लोग जो कहे बिगाड़ने हम नहीं देंगे अगर आप लोग अगर किसी पर विश्वास है तो नाम बोलिए तो हम कहा कि भाई हमारे पास तो नाम तो किसी के पास है नहीं लेकिन हम इसको लिए हम गौण रख दिए हैं कि भाई हम मन में एक सोचा कि मैने मैने हमारे मैने मुस्लिम भाई का ये काम नहीं है इसलिए हमने किया तो उसमें पीयूष साहब दियाजी थे उनसे पास मिले हम थे नबी हसन भाई थे और यही सब हम लोग मिले कहेंगे ऐसा ऐसा बात बात है तो नबी हसन भाई बोले भाई देखिए अगर हम दोषी हैं तो हमको आप अथी कीजिए तो पीयूष साहब बोले डी साहब कि देखिए हमको तो आत्मा गवाही दे रहा है कि आप शांति बनाए रखिए आपका मूर्ति मिल जाएगी अब यही बात पर हम लोग आ करके यहाँ किए मूर्ति मिल जाएगी हम कि आप लोग जग के हम तो हमको आगे बात तो मूर्ति अब तो चला गया अब भाई को हम बिगाड़ने नहीं देंगे एक भाई को बिगाड़ने नहीं देंगे तो सब दिन के लिए कोढ़ बन जाएगा इसलिए बिगाड़ने हम नहीं देंगे उसको शांत हमने कराया हमने जग भी किया मूर्ति भी प्रतिष्ठा किए और मूर्ति करने के बाद दो तीन दिन के बाद मूर्ति जो है सो वही नहर जो है नहर के किनारे रास्ते पर फेंका हुआ है तो वहाँ जो जो गार्ड लोग था हल्ला किया कि मूर्ति तो यहाँ फेगा के देखे मीडिया वाले को बोला उस समय अश्विनी कुमार हिंदुस्तान के थे डोभी के वही थे, वो है थे वो है फोटो तो लिए हिंदुस्तान में फोटो भी निकला निकलाने तो की भी साजिश हो सकती शादी हाँ शादी तो हो सकता था लेकिन हम वो कहा उन लोग कि आप लोग चुप रहिए है हमने रहते पर हम नहीं होने कुछ सर आपका प्रयास प्रेम भाईचारा को बनाने के लिए हमेशा रहा है ये बताइए कि आपके जो पिता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे उन और उन जो पूर्वज आपके हैं तो ये कहाँ के थे घोड़ा घाट के थे या कहीं बाहर से आए थे शेरघाटी के थे पूर्वज कहाँ के थे आपके नहीं वो तो पूर्वज लोग तो हम लोग के बाहर से थे उसका तो इतिहास हमारे पास नहीं लेगा उसका हमारे पास कुर्सीनामा अच्छा है अच्छा क्या है उसमें कुर्सीनामा साहब का कौन तेरह कुर्सी होता ना है कि वही जिसको हम लोग सिजरा कहते हैं हाँ, है अपने हाँ कई पुरखों का हाँ, नाम हाँ होता हाँ हाँ बस बस वही पुरखे के नाम से हिसाब से तो हमने पता लगाया दादाजी कहते थे दादा हाँ, के हो से हमने वो देखा हमने हमने दूसरा मालवा देश के ही हो और हाँ, सो तो ये श्रीवाड़ी के दुल्ही मंदिर के जो डोमनवा या पैदन के पिताजी क्या नाम था वही जमींदार थे वही लाए थे पूजा करने के लिए यहाँ पुजेड़ी के रूप में तो उनका मैंने तीन गो पुत लड़का हो गया उन्हें जो पुजौरी साहब थे तो बोले कि भाई आप लोग हो रहे हैं तो पुजोड़ी तो यकी रहेगा ना तो आप लोग लड़ते रहिएगा तो आप ऐसा करते हैं कि आप लोग को हम ऐसा कर देते हैं कि आप लोग अलग अलग हो कर के और प्रेम भी बना रहे और आप लोग अथी करता रहे तो वहीं हम लोग को बाँट दिए तो हम लोग एक परिवार बड़ा चट्टी थाना में थे ब्लॉक अब, अब मोहनपुर हो गया एक है एक शाहपुर का गांव है वहाँ चले गए अब एक रह गए यहीं है उ, उ, कोई कौन चचा रहे ये पहलू ने नहीं है और आप ने अब आप अपने एक हमारे पूर्वज चले गए घोड़ाघाट अब घोड़ाघाट से जो अभी पहले पैदा जहाँ भी होता था उतना वो वो पैदा जो होता था होता था उसी में से कहते थे, थे कि इतना पैदा हो लोग कहते ना नहीं ना वो अपने अपने पैदा खो यहाँ ला, यहाँ लावे से यहाँ तो ऐसे चढ़ाव पर हमने के मिलिए जा है और हमरा ये तो वो कह ग तो इसी आते थे, थे लेकिन हमरा जब तक हम अब तो हमारे बाबा दम, बाबा जो थे उनके दो पुत्र थे और दोनों शिक्षा से बिनेश्र दुबे और ये ही दिनेश्वर दुबानेश्वर दुबा क्या नाम था दिनेश्वर दुबे दोनों थे दोनों दोनों मास्टर मा, थे एगो वो बेसिक स्कूल में यहीं थे मास्टर एगो प्राथमिक विद्यालय में थे तो उनका दो दो गो लड़की है लड़का एक ये। कोने नहीं ने। ने। तो लोग रह गए गए यहीं अभी भी हम आते जाते हैं तो यही भगनियाँ जो भतीजा है बहनी जो है वही खिलाते पिलाती है और हम लोग चल भी जा, जाते हैं कैबी कह कहे कि तू रहना भैया रहना हम क्या हमारा तुम फुरसन यहाँ कहे यो इसीलिए हम लोग यहाँ है पूर्वज तो हम लोग का यहीं से है सिर, मैंने श्रेघाटी से हम लोग अलग अलग हो गए वहाँ से यहीं हम लोग का है मैंने नहीं है और राजनीति भी हम लोग को यहीं से हुआ शुरू चलिए सर ये अंतिम सवाल कि आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे आप भी सामाजिक सेवा से जुड़े रहे अभी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं युवा हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं प्रतिनिधि बनना चाहते हैं समाज के जो पिछली पंक्ति के लोग हैं कमज़ोर वर्ग हैं उनको उन, उनके लिए काम करना चाहते हैं उनको सही दिशा देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो बेहतर समाज बनाए उन लोगों को आपका क्या संदेश होगा कि कैसे बेहतर समाज बनेगा उनको क्या करना चाहिए एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए बहुत अच्छी आपका ये जो प्रश्न है ये सराहनीय प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये हम हर युवा पीढ़ी को यही संदेश देते आते हैं कि भाई दे देखो अपने अब अपने पर हम लेते हैं कि हमने कुछ नहीं किया हमारे पिताजी भी कुछ नहीं किए लेकिन आज दुनिया जान रहा है कि देश आज़ाद हो गया आज़ाद करने में कौन थे तो गया जिला जी, में सरघाटी थाना में पहले। आ, आ, है पहले इन्हीं लोग आज़ाद कराए और हम कोई पद का लोभ हम नहीं किए पद का लोभ करते तो हम भी आज हमको भी लोग हे डिस्टिट से देखता कहीं भी चल जाते हैं किसी को पैरवी करने के लिए तो ये नहीं हमको कहेगा कि तोरा यही जीते लियो हाल ये हमारा नहीं है इसीलिए बाबू हो तुम लोग पढ़ो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो हम नहीं कहते करें लेकिन अगर किसी को करना चाहते हो तो ये मत ये अपने लिए भावना मत करो कि कल हम चुनाव में जीतेंगे तब हमको फायदा होगा फ़ायदा के मत सोचो और चुनाव लड़ने के लिए तुम कभी सोचवे मत करो आज नहीं अच्छे दिया। लोग तो राजनीति से बाहर हो जा रहे हैं ना आ, आ, यही कारण है इसी आ, डर से आ, इसी तो आ, से. कैसे वो अच्छा काम करें वो मुख्य धारा में रहें वो प्रतिनिधि बने नेता बने आ, अच्छे लोग कैसे नेता बनेंगे आ, इसको आप बताइए हाँ अच्छे लोग तो हम कहते हैं कि भाई बनो तो निष्पार भाव से बनो जिनमें जिस वादा से तुम राजनीतिक करते हो कि हम जीत गए के बाद हम निष्पक्ष भावना से करेंगे किसी के बाद द्वेष नहीं करेंगे भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई को साथ देंगे वो नहीं होगा हम आपको मैंने दोनों भाई को मिला करके रखेंगे इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई हो तो किसी मैंने शांति से सबको बना करके रखिए और जितना हारना तो सबका काम है यहाँ उसको वोट नहीं दिया तो उसके लिए मैंने कह दिया कि हमको वोट नहीं दिया तो वो दुश्मनागी वाली बात छोड़ दो एकदम निष्पक्ष भावना से रहो कोई पद का लोभ नहीं करोगे तो तुम लोग आपरूपी पद मिल जाएगा हम कहते हैं हमको कोई पद नहीं है लेकिन जितना नहीं तुम जा तो वहां जा जाते हो वहाँ हम पहुँच जाते हैं है। बिना पद के आपको सम्मान है सम्मान है बिना पद कैसे सम्मान है जहाँ भी जाते हैं पर पर्दा हट जान जाता है कि आइए से बैठिए अब मुखिया लोग हैं तो अब मुखिया लोग क्या किया तो वहाँ सवाल जवाब में आप पिछड़ जाइएगा <laughs> इसीलिए हम कोई करो तो बढ़िया से कर राजनीति तो करना ही है बिना राजनीति तो देश चलेगा ना नहीं वो तो करना ही है इसलिए बढ़िया से आप रहिए प्रेम से रहिए दुश्मन मत बनिए हित बनिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो ए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये राजेंद्र दुबे जी थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और इन्होंने साफ बात बताया कि आप समाज सेवा कीजिए राजनीति कीजिए लेकिन निस्वार्थ भाव से कीजिए समाज हित में कीजिए और बड़े ही संवेदना के साथ प्रेम के साथ भाईचारे के साथ समाज हित में सोचते हुए काम कीजिए निश्चित रूप से एक बेहतर समाज बनेगा और उससे देश और समाज की तरक्की होगी विवर समय जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया